malam kan? तुम्हारा परिचय देना, तुम क्या पढ़ते हो, कहाँ रहते हो? अन्य बारे में रहते हैं, क्लास के में घर में जारू मारते हैं, घर में जारू मारते हैं, बर्तन धोते हैं, मम्मी काम जाने से खाना बनाते हैं कभी कभार। मेरा नाम सुहान मंडल है। कहाँ से आया? हम बोलो, घर कहाँ है? घर दिल्लीपुर से आए। कौन स्कूल पढ़ते हैं? गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल साउथ पॉइंट। तुम क्या करते हैं? हम घर पे चाय बनाते हैं, मम्मी पापा का मदद करते हैं, कभी मम्मी को कुछ होता है तो हम उसका थोड़ा हेल्प करता है। मम्मी मरती है? कभी कभी अगर हम कोई भूल करते हैं तो। टीचर हम भूल करते हैं तो मरते हैं। हाथ में। कौन स्कूल? गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल साउथ पॉइंट। मेरा नाम है एम दीपक। कहाँ से आया? स्कूल सालीपुर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल। घर में क्या करते? घर में मम्मी काम देने से चाय बनाता। नमक क्या लगता है? नमक या चीनी? चीनी। और क्या करता है? और मम्मी को कुछ हो गया तो मैं करता। बहुत अच्छा। हाथ मारो। और कौन है? और कौन है? बदमाशी में वन कौन है? कोई नहीं। कितना अच्छा है। बदमाशी में वन स्कूल में कोई है? कोई नहीं। हाँ, एक बार आओ, निकोबार देखो, निकोबार आओ। निकोबार आ जाओ, कमल आ जाओ। कार निकोबार, अंडमान निकोबार दीक्षु आ जाओ। मेरा नाम लिली शाइन है। कौन गांव से आए तुम निकोबार से? मैं स्माला पार्टी से आई हूँ। मैं 11 में स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं मम्मी का हेल्प करता हूँ। जब मम्मी को बहुत बीमार होती है तो मैं उसका बहुत हेल्प करता हूँ। और मम्मी कहती है चाहो मेरी ये दवा लेकर आ, तो मैं मम्मी का बात हर रोज सुनती हूँ। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 11 चरमा। मेरा नाम के बेटा डोना है। मैं स्मॉल लापाती से आई हूँ। मैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जंगली घाट में पढ़ती हूँ। मैं बर्तन धोती हूँ और जब मम्मी काम करने बोलती तो काम। कपड़ा कौन धोता है? मम्मी। दूर से बोल। कपड़ा कौन धोता है? मम्मी। बर्तन कपड़ा कौन धोता है? मम्मी। कपड़ा कौन धोता है? मम्मी। बहुत अच्छा। और खाना बनाना क्या बनाता है? कौन कौन है? बर्तन खुद धोता है, कपड़ा धोता है। कपड़ा कौन धोता है? पीछे से एक आदमी आओ। कपड़ा कौन धोता है? थैंक यू। मेरा नाम बेसफील है। कहाँ से आई है? एक बार कपूर विलेज। मैं परका विलेज से आई हूँ। इसको अपना कपड़ा खुद धोता है। एक आ जाओ, एक आ जाओ, कमान लड़का में आओ, बॉयज में एक आओ, बॉयज में तुम लड़के में आओ, तुम आओ। कौन बच्चों में एक आओ जो कपड़ा खुद धोता है? पर चलो नाम। माय नेम इज श्री साचा श्री।
My school name is Government Girls Senior Secondary School, Port Blair. हम कपड़ा धोती है, मम्मी का मदद करती है, मम्मी बीमार होने से टैबलेट लाओ बोलने से टैबलेट लाती है, चाय बनाओ बोलने से चाय बनाती है, थैंक यू। इडली भी बनाती है। सांबर। डोसा? कहाँ आता है? तमिल में? तेलुगु? हिंदी? कष्ट वक्ती? थैंक यू। थैंक यू। बोलो जय हिंद। निकलो। जय हिंद। जय हिंद। आपने जो दी? जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जोर से बार बार। जय हिंद। जय हिंद। हेलो जूनियर। दोसा, सांबर, कपड़ा धोने में, अब, हाँ, जो सामने आओ, मेरा नाम रिहाना है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आई हूँ। हम घर में कपड़ा धोती और बर्तन धोती और मम्मी बोलती थोड़ा चाय बना के, तो हम चाय बना लेती और मम्मी बोलती दुकान से थोड़ा सामान लेके आओ, हम लाती है। बदमाशी में नहीं आता, बदमाशी नहीं आता। टीचर मारता है? टीचर हम थोड़ा गलती करते तो मैम कभी कभार मारते हैं। आपसे डंडा से? मम्मी मारता है? मम्मी नहीं मारती। डैडी? पापा कभी कभी मारते हैं। और क्यों मारता नहीं? थैंक यू। और जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। स्कूल सबाई कौन करते हैं? स्कूल में सबाई कौन करते हैं? स्कूल में सफाई कौन करता है? क्लास में हम लोग का मंडे पारी वाले करते और ट्यूसडे रहता तो ट्यूसडे में जिसका नाम रहता वो लोग करते। स्टूडेंट्स करते हैं? कभी किया? क्लास में करते हैं। क्लास में क्या किया? मेरा मंडे पारी रहता तो मंडे को क्या करते हैं? धर्म आओ और भी बच्चा लोग का नाम रहता तो कोई भी बच्चा होता था तो तीन चार जन झाड़ू मारते। स्कूल में क्लासरूम में कौन कौन झाड़ू मारा? कौन कौन? तुम आ जाओ, वाइट कपड़ा, तुम आ जाओ। थैंक यू। बोलो जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम नरगिस है, मैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दिनानीपुर से आई हूँ। हमारी क्लास में रोज साफ सफाई होता है क्योंकि भारत को हमेशा साफ सफाई से रखना चाहते हैं। ये बात मेरी मम्मी ने सिखाया है क्योंकि भारत को हमेशा साफ सफाई से रखना चाहिए। उगल जी, मेरे दोस्त लोग भी बोलते और टीचर्स भी सिखाते रहेंगे क्योंकि भारत हमेशा साफ रहना चाहिए तो हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हो सकेगी। प्रधानमंत्री का नाम है मोदी जी। उन्होंने क्या बोला आपके बारे में? भारत को हमेशा साफ सफाई से रखना चाहिए, अगर साफ सफाई से नहीं रखेंगे तो हम लोग का भारत साफ नहीं रहेगा और हम लोग भी साफ नहीं रहेंगे, करके हम लोग को हमेशा अपने भारत को साफ रखना चाहिए। आप लोग को पता है कि प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फिर नाम क्या है बोलिए। जरा ठीक से बोलेंगे। आप लोग घर पे क्या काम करते हैं? मैं अपने घर में मेरी मम्मी पापा की बहुत मदद करती हूँ, अपने दोस्तों की भी बहुत मदद करती हूँ। अगर घर पे कोई नहीं रहता है तो मैं अपने घर पे बहुत साफ सफाई से रखती हूँ।
थैंक यू। जय हिंद। कल पाकिस्तान में सुना का न्यूज, कल क्या पाकिस्तान में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कल क्या किया? जानते हैं? जानते हैं? बोलो क्या किया? कौन जानते काल पाकिस्तान में घुसकर भारत का सेना ने क्या किया? पाकिस्तान लोग बहुत बुरे हैं क्योंकि वो हम लोग को भारत को गंदा करना चाहते हैं। वो लोग अपना हमें कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए हमें हमेशा भारत को साफ सफाई से रखना चाहिए। काल पाकिस्तान में घुस के किसने मारा आतंकवादी को, वो जानता है? अरे कम ऑन, थैंक यू, थैंक यू। बोलो। मेरा नाम ज्योतिका है, मेरा स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कल पाकिस्तान में क्या हुआ? कल पाकिस्तान में भारत का सेना ने घुसकर मारा। किसको मारा? आतंकवादी को। कितने लोग को मारा? 38। सही बोला नहीं बोला? नहीं है। कितना मारा? 38 plus 2। कितना है? 30। हाँ 38 आतंकवादी, दो सैनिक। नाम भाग गया पाकिस्तान। कम ऑन, कितना मारा? जरा कम ऑन, कम ऑन। कितना जवान? कौन बोले? कमान, कौन कौन देखता न्यूज? न्यूज कौन देता? और कार्टून, 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 कार्टून साहब है, कार्टून का नाम बताओ जरा। क्या हुआ पाकिस्तान बताओ? पाकिस्तान में क्या हुआ? इंडिया ने क्या किया? इंडियन कंपनी, इंडियन के सोल्जर ने कल पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा था। अच्छा ना बुरा किया बच्चों? काम अच्छा ना बुरा किया? अच्छा काम किया कि बुरा किया? क्या सवाल था? हाँ अभी कार्टून में क्या क्या देखते सुनो नाम? डोरेमोन, मिकी माउस। दो घंटा पढ़ाई कितने घंटा? पढ़ाई 3 घंटा। प्रथम पढ़ाई हारमोनियम, क्या कार्टून, मिकी माउस, कितने घंटे देख रही है? बॉल न्यूज कब देखता है? न्यूज नहीं देख। और कौन बोलेगा? और कौन बोले? आप पीछे से आओ, पीछे से आओ, पीछे वाले एक आदमी आओ, आ जाओ कमान। कार्टून छोड़ की क्या बोलता है? कार्टून तुम क्या बोले?
बच्चे सब शांति बनाए रखें, टीचर जरा ध्यान दें। नमस्कार, बच्चों की फिल्मों की जादुई दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगी कि आज हम सब का सौभाग्य है कि अंडमान निकोबार द्वीपों की प्रथम महिला श्रीमती प्रेम मुखी जी हमारे साथ हैं। मैडम, हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आपको गुलदस्ता भेंट करना चाहेंगे। हमें खुशी है कि आज के इस मौके पर दीपों के माननीय सांसद श्री विष्णु पदरे जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूपरे जी हमारे साथ हैं। हम आप दोनों का अपने हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, गुलदस्ता भेंट करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने मिलकर ये 3 दिनों का फेस्टिवल, चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, अपनी तरह का बिल्कुल अनुपम अनोखा फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। और सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि 3 दिनों के इस फेस्टिवल को खूब भरपूर एंजॉय करेंगे। मैं आज के कार्यक्रम में आप स्पेशली सभी बच्चों का बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूँ हमारे आज कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती प्रेम मुखी जी से कि वे दीप प्रज्वलित कर इस 3 दिनों के फेस्टिवल का शुभारंभ करें। मैडम मैडम साइड मैडम जी मिस अकीला असिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। मैं आप सबको एक बार और पुनः कष्ट देना चाहूँगी और आपसे अनुरोध करूँगी कृपया अगर आप सब मंच पर तशरीफ लाएं और जो 6 दिनों 3 दिनों में जो 6 फिल्में रिलीज की जाएंगी फिल्में दिखाई सर थोड़ा सा पर उपस्थित मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे यहाँ पर टीचर्स बहने और मेरे भाई, आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मैं आप लोगों के बीच में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अंडर जो ये आपका बाल चित्र समिति और द्वीप प्रशासन के द्वारा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित 3 दिन का फिल्म फंक्शन किया जा रहा है। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सोसाइटी जो है हर बच्चे के लिए मनोरंजन और स्वस्थ विचार बनाने के लिए ये फिल्में बनाई गई हैं। पहली फिल्म 1955 में बनी और 1957 में इसका ये जलदीप नाम से फिल्म जो है वो वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सोसाइटी के अंदर जो है बच्चों का बहुत मनोरंजन किया जाता है, बच्चों का अधिकार है कि वो हर प्रकार से डेवलपमेंट हो, उनका चहुमुखी डेवलपमेंट हो, और उनके द्वारा ये आयोजित फिल्में जो हैं वो सालाना 40,000 के लग 40 लाख बच्चे देखते हैं। ये बहुत ही प्रोत्साहन का विषय है कि बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर ये प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है, और आशा करती हूँ कि जिस तरह से आप सभी स्कूलों से आए हुए हैं और इसी प्रकार प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी इसका आनंद उठाएं और इस फेस्टिवल की में भाग लें। मैं आप सबके विशेषकर कला एंड संस्कृति विभाग की सराहना करती हूँ कि उन्होंने इस द्वीप समूह में समय समय पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है, और मैं आयोजकों को भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बच्चों से ये आह्वान करती हूँ कि इस 3 दिन के उत्सव में पूर्ण रूप से रुचि लें और आनंद उठाएं, और इससे जितना लाभ उठा सकते हैं इसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्व करें, मैं यही चाहती हूँ। और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। कामनाएं, आपका आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा बना रहे। और अब मैं मिस अगीला, असिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया से अनुरोध करूंगी कि वे उद्घाटन समारोह में के अवसर पर उपस्थिति का धन्यवाद करें और सीएफएसआई के बारे में कुछ जानकारी रखें। Very happy morning to one and all gathered here. On behalf of CFSI, I would like to thank the First Lady for having accepted our invitation to inaugurate the event. And secondly, I would like to thank the Honorable MP, Sri Vishnu Bhattarai, most loved person here and perhaps the most down-to-earth person I have ever seen. And he has come with his wife and our secretary, Srimati Ankitya Mishra Bandela, for having accepted to spend their valuable time with us despite their busy schedule. And lastly, I would like to thank the today's important guest, that is the children. Hope you will all enjoy the film and have a very great day. Thank you. Chaliye ab. बच्चों के बीच हम बच्चों और फिल्म के बीच हम नहीं आते हैं, और पहली एनिमेशन फिल्म आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, गोपी गवैया बागा बजैया, डायरेक्टर शिल्पा रानाडे। जोरदार तालियों में अपने लिए फिल्म की शुरुआत करेंगे।
सुतकर की बांधी होती थी। हाँ, और हमारी घरवाली की चीखें भी। झुक जाए, पलके बिछ जाए। जैसी गोरिया हो वाले, चांद जैसा मुखड़ा, चौड़ी छाती, मजबूत कंधे, तेरा शेरों के शिकारी, महावीर, महाचतुर। उसके दोस्त में घायल से कसाई की एक ढेर पकड़िया और दो दर्जन धूप में भी शहीद हो गए। अगर क्यों नहीं जब कुछ नहीं बचेगा, बस आलू गोभी दाल चावल क्या सिर्फ दाल चावल नहीं सितार नहीं, अच्छा ढोल। बहुत तेज बुद्धि है अब मिलेगी ताल से ताल, तुझे देखेगी चुगलबंदी का कमाल, बदल जाएगी अपनी चाल, रुमाल धमाल काल धाल गुड़।